ज्ञान योग दर्शन भाग एक, जिसका शीर्षक है ईश्वर धर्म और आतंकवाद। ये एक बहुत विशेष प्रकार की दार्शनिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण पुस्तक है, जिसमें मैंने चार अंश रखा है। सबसे पहला अंश, जिसका शीर्षक है आध्यात्म और ईश्वर, इसके अंतर्गत मैंने इसमें सबसे पहले बात शुरू किया है ईश्वर से। ईश्वर क्या है, ईश्वर का आकार क्या है, ईश्वर कहां है और कैसा है, और यदि है तो वह कैसे मिलेगा, और ईश्वर का अखंडित जप किस प्रकार हो कि जिससे जीवन के सामान्य क्रियाकलाप बाधित ना हो, जीवन के सामान्य क्रियाकलाप प्रभावित ना हो, क्योंकि यदि दोनों में से एक सही तरीके से नहीं देखा गया तो एक तो जाएगा, दूसरा भी अपने हाथ से छूट जाएगा। तो ये समन्वय रखना बहुत जरूरी है। तो यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम किस प्रकार ईश्वर को भी पालें, अपने जीवन के क्रियाकलाप भी सही से कर लें। ये एक ऐसा विषय है जिसमें अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि वो काम कर रहे हैं और वो ईश्वर की आराधना को छोड़ रहे हैं, या फिर यदि वो ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं तो ऐसा लगता है मानो सामान्य जीवन के सभी क्रियाकलाप उनसे कट जाते हैं। इसलिए इन दोनों पक्षों को एक साथ रखना अत्यंत आवश्यक है, इन दोनों पक्षों को एक साथ समाहित करना अत्यंत आवश्यक है, इन दोनों के बीच समन्वय एवं संतुलन होना बहुत जरूरी है। यदि हम दोनों के बीच समन्वय और संतुलन स्थापित कर लेते हैं तो यह रास्ता हमारे लिए सबसे सुगम और सबसे अच्छा होगा। इससे हम ईश्वर की प्राप्ति तो कर ही सकते हैं, साथ में हम अपने सभी क्रियाकलाप भी उचित तरीके से चला सकते हैं, जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा रास्ता, ऐसा अवसर यदि आप देखना चाहते हैं तो इस पुस्तक को पढ़ें। आपको इस मार्ग का पूर्ण अवलोकन करने का मौका मिलेगा। इस के माध्यम से मैंने इसको रखा है। इसका अगला अध्याय, अगला चैप्टर है प्रसाद किसका है और किस धर्म का। प्रसाद का वास्तविक रूप क्या है, प्रसाद क्या है, यह किस धर्म से संबंधित है। यदि सत्य से परिपूर्ण रास्ता है तो ही प्रसाद प्रसाद होता है, अन्यथा वह प्रसाद नहीं। क्या वह प्रसाद ही है, यदि ईश्वर ने उसे स्वीकार किया है तो वह प्रसाद होगा, और यदि स्वीकार किया है, प्रसाद है, तो उस पर किस किस का अधिकार है, किस किस का अधिकार नहीं है, इन सब चीजों के बारे में आप इसमें अध्ययन करेंगे। और मूलतः मैं इसके माध्यम से यह दर्शाना चाहता हूं कि यदि प्रसाद है तो उसका अधिकार संपूर्ण मानव सृष्टि के सभी लोगों पर का है। यह तो विश्व कल्याण के लिए है। संसार के जितने भी लोग, जितने भी जीव हैं, उनका पूरा अधिकार है। यदि मैं या तुम या कोई और प्रसाद को किसी धर्म, जाति और संप्रदाय से बांधने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से वह प्रसाद के रूप को सकरा कर रहा है। हमें इस मानसिकता को हटाना होगा। हम हिंदू हों या मुस्लिम हों या ईसाई, सिख, किसी भी धर्म से संबंधित हों, परंतु यदि ईश्वर का प्रसाद है तो वह सबके लिए प्रसाद प्रसाद है। और यदि तुमने अपने धर्म के अनुसार उस प्रसाद को प्रसाद नहीं माना और उसका अपमान किया तो इसका मतलब यह मत समझ लेना कि तुम अपने धर्म के पक्षधर हो। यदि तुमने औरों के धर्मों के माध्यम से ईश्वर के प्रसाद का अनादर किया है, अर्थात तुमने अपने धर्म का भी अनादर किया है। क्यों? क्योंकि ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है। यदि रास्ते अलग हैं तो सभी धर्म अलग अलग हैं, परंतु उद्देश्य उनका केवल और केवल एक है। इसलिए हमें इस विचारधारा को आगे बढ़ाना है, इस विचारधारा के माध्यम से हमें इस पर काम करना है। और इस प्रकार मैं यह कह सकता हूं कि प्रसाद तो सभी धर्मों से उसका वास्ता है, सभी धर्मों पर उसका
प्रभाव देखने को मिलेगा। ये एकता का एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। इसके बाद अगले अध्याय में मैंने ये बात किया है कि तुलसी का पौधा हमारे भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति के अनुसार तुलसी की पूजा बहुत प्राचीन समय में से चली आ रही है। और मैं ये नहीं कहता कि तुम तुलसी की पूजा को बंद कर दो, मैं तो यह कहना चाहता हूं तुम उचित पौधे का उपयोग करो। तुलसी का पौधा किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार के पौधे का हम पूजा करें और किसका पूजा ना करें, इस बात पर विश्लेषण होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम इस विश्लेषण को अपने जीवन पर उतार सकते हैं, उतार पाते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक कल्याणकारी रास्ते पर आगे बढ़ चलेंगे। अगला खंड है ध्यान, योग, संतुलन और कर्म। धर्म क्या है? धर्म के अनुसार ध्यान और धर्म में क्या समानताएं हैं, वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं इस खंड में शुरुआत करता हूं बहुत से एकत्व की ओर, जिसको ही हम ध्यान कहते हैं। बहुत सारे योगी, बहुत सारे दार्शनिक, बहुत सारे विद्वान जन अपनी अपनी विचारधारा धर्म के माध्यम से देते हैं कि ध्यान की अपनी अपनी परिभाषा देते हैं, परंतु ध्यान का मूल मंत्र, मूल रहस्य तो केवल एक है कि बहुत से एकत्व की ओर बढ़ना। चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय से संबंधित हो, यदि हम किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से यदि हम बहुत से एकत्व की ओर बढ़ते हैं, वही तो ध्यान है। और यदि यह तो एक क्रिया मात्र है, ध्यान तो एक क्रिया है, और इस क्रिया को किसी जाति, धर्म या संप्रदाय से जोड़ देना मेरे समझ नहीं आता। तुम्हें भी इसे मानना होगा, सोचना होगा, समझना होगा इसके बारे में कि ध्यान तो विश्व कल्याण के लिए बना है, और यदि हम उसे एक जाति, धर्म या संप्रदाय तक उसे सीमित कर दें, तो हमने तो ध्यान का अपमान कर डाला, हमने ध्यान के उपयोगिता को कम कर दिया है। हम खुले हाथों से ध्यान को विश्व कल्याण के लिए दूर दूर तक फैलाएं, पहुंचाएं, बताएं, सिखाएं और उसका पूरा लाभ लें, यही तो उद्देश्य है ध्यान का। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसका अगला अध्याय, अगला चैप्टर है इंद्रिया एवं योग। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या कर्मेंद्रियों को मर्दन कर देना, दबा देना ही योग है? मेरे समझ नहीं आता, मैं इस बात से सहमत नहीं। यदि हम कर्मेंद्रियों को कुचल कर, उनकी क्रियाशीलता को कम करके यदि हम ध्यान करें, यह कैसा योग है? यदि वास्तविक योग का आनंद लेना है, यदि वास्तविक योग को पाना है, तो हमें वास्तविक योग के लिए अपने सभी कर्मेंद्रियों को पूर्ण रूप से विकसित होने का मौका देना होगा। तुम उन्हें पूर्ण रूप से विकसित होने का मौका दो, जब वे पूर्ण रूप से विकसित हो जाएं, फिर उन्हें समन्वित करो, उन्हें संतुलित करो, उन्हें अपनी कसौटी पर खरा उतारो। यदि ऐसा ध्यान करके योग करते हो, वही तो वास्तविक रूप होगा योग का। और इसके बाद एक अगला चैप्टर, अगला अध्याय जो है कि कर्म ही सर्वस्व है। सभी धर्म के सभी पुस्तकें, सभी ग्रंथ यही बात बताते हैं कि कर्म ही सर्वस्व है। यदि हम कर्म कर रहे हैं तो निश्चित रूप से फल हमें मिलेगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। निश्चित रूप से फल हमें मिलेगा, और फल के सोचने के बजाय यदि हम कार्य उचित तरीके से करें, पूरी क्षमता के साथ करें कर्म, तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा उद्देश्य हमें नहीं मिलेगा। अक्सर ऐसा होता है, हम अपने उद्देश्य को भूलकर उसके फल की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, जिसके माध्यम से हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है, और उस एकाग्रता के भंग हो जाने के कारण हम पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार हम फल की चिंता करते रहते हैं परंतु कर्म नहीं करते, और यह तो असंभव है कि यदि हम कर्म ना करें और फल की अपेक्षा करते हैं, यह सोचना व्यर्थ है। इस प्रकार यदि हम फल के ऊपर ही ध्यान रखेंगे, तो फल तो नहीं ही मिलेगा,
हमारा कर्म भी हमारे मन से छूट जाएगा और हम अंधकार में बिल्कुल हो जाएंगे। ऐसी सोच ऐसी विचारधारा को आप अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। उसके बाद इस प्रकार मैंने बात किया कि कर्मेंद्रियां और योग। इस अध्याय के बाद अब मैं आगे बढ़ता हूं जिस टॉपिक पर कि कर्म ही सर्वस्व है। वास्तविक रूप यह है कि प्रत्येक धर्म की प्रत्येक पुस्तक प्रत्येक ग्रंथ यह बात दिशा निर्देशित करते हैं कि कर्म यदि हमने नहीं सही से किया तो फल मिलना असंभव है। अक्सर ऐसा होता है कि हम फल की ओर ध्यान केंद्रित कर देते हैं, फल की चिंता करने लगते हैं, जिसके कारण हमारा वास्तविक ध्यान हमारे कर्म से हटकर अलग हो जाता है और इस प्रकार फल तो नहीं ही मिलता, कर्म भी हमारे हाथ से चला जाता है और हम अंधकार की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार इस अध्याय में आप ये पूरा अनुभव करेंगे। उसका अगला चैप्टर अध्याय है जिसका शीर्षक है क्रोध। वास्तविक रूप में क्रोध क्या है, क्रोध का क्या महत्व है, क्रोध किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कितने प्रकार के क्रोध हो सकते हैं, क्या कोई सकारात्मक या नकारात्मक निष्कर्ष निकलते हैं, क्या इसके प्रभाव हमारे जीवन पड़ते हैं, दैनिक क्रियाकलापों पर इसका क्या प्रभाव है, दैनिक जीवन की दिनचर्या किस प्रकार क्रोध से प्रभावित होती है, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। और उसी के अगली कड़ी में क्रोध और संतुलन। यदि क्रोध की बात किया है तो क्रोध के संतुलन के बारे में भी हमें बात करना अत्यंत आवश्यक होगा। तो इस अगले चैप्टर में हमने बात किया है क्रोध और संतुलन किस प्रकार एक दूसरे से पूरक हैं, किस प्रकार हम क्रोध को संतुलित करें जिससे कि हम अपने मार्ग की ओर उचित तरीके से बढ़ सकें। उसके बाद अगला अध्याय है मृत्यु एवं भय। सामान्य जीवन में मृत्यु बहुत भयावह लगती है, मृत्यु बहुत नकारात्मक रूप दिखाती है, हम उसे नकारात्मक रूप में लेते हैं, परंतु वास्तविक रूप तो उसका सकारात्मक रूप है। मृत्यु को यदि तुम नकारात्मक मानोगे निश्चित रूप से तुम्हें सत्य से भय लगेगा। जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है इसका अर्थ है वह सत्य से दूर है, इसलिए वह भय रखता है। और जितना ही तुम सत्यता की ओर बढ़ते चले जाओगे मृत्यु से भय उतना ही कम होता चला जाएगा और एक ऐसा क्षण आएगा जब मृत्यु से भय समाप्त हो जाएगा। वही तो क्षण है, वही तो स्थान है जब आप सत्य के मार्ग पर पहुंच चुके होंगे। इसके बारे में आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। और इसका अगला अध्याय है दुख सहकर ही सुख होगा। किस प्रकार हमारे कर्मों के समय कर्म करते समय हमें तकलीफें होती हैं, उन तकलीफों को जब हम सहन करते हैं और सहन करने के बाद निरंतर जब हम अपने कार्य में लगे रहते हैं तब जाकर वो कुछ अच्छे फल देता है और वही सुख है, वही हमारी आगे की आने वाली सफलता ही सुख का रूप है। तो इस प्रकार कर्म रूपी दुख जब हम सहते हैं तभी हमें फल रूपी आनंद की प्राप्ति होती है, फल रूपी सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं तीसरे खंड पर आता हूं इस पुस्तक की जिसमें हमने धर्म का विश्लेषण एवं आतंकवाद के बारे में बात किया है। अगले खंड के बारे में मैं बात करता हूं जिसमें धर्म उसका विश्लेषण एवं आतंकवाद। इस खंड में धर्म का वास्तविक रूप क्या है, धर्म से हम क्या समझें, क्या धार्मिक कट्टरता होना ही धार्मिकता है, क्या धार्मिक कट्टर होने से हम धार्मिक हो जाएंगे, और यदि हां तो कैसे, यदि ना तो कैसे, इसका हम पूर्ण विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद फिर हम धीरे 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 आतंकवाद की ओर बढ़ेंगे कि किस प्रकार धर्म से आतंकवाद समाहित हो गया है, इसका क्या कारण है कि इस रूप में आतंकवाद आज हमारे सामने दिख रहा है। तो इसके पहले
अध्याय में तुम किस धर्म की बात करते हो? इसमें मैंने उन तथ्यों को इसमें समाहित किया है कि तुम किस धर्म की बात करते हो, किस धर्म के आधार पर निहत्थों को, बेगुनाहों की हत्याएं करते हो, उनका खून बहाते हो, किस धर्म के आधार पर तुम यह सब कर रहे हो? यदि उन धर्म के आधार पर भी तुम कर नहीं चल पा रहे तो तुमने अपने धर्म का भी तो निर्वहन नहीं किया। यह कैसा धर्म है जो हत्याओं की ओर तुम्हें अग्रसर करता है? वास्तविक रूप में यदि वह धर्म तुम्हें हत्या, खून खराबे की ओर बढ़ाता है तो निश्चित रूप से वह धर्म धर्म नहीं होगा। और यदि वह वास्तविक धर्म है तो वह निहत्तों पर वार, बेगुनाहों की हत्याएं, खून खराबा की तरफ कभी भी इंगित नहीं कर सकता। इसका वास्तविक रूप है कि तुम दिग्भ्रमित हो। इसके अगले अध्याय में ये कैसे धर्म है, इसमें इस विचार को मैंने इसमें समाहित किया है, ये कैसे धर्म है जो आपस में हम सबको एक दूसरे से लड़ाते हैं, ये कैसे रूप है धर्म के, किस व्याख्या के आधार पर हम आपस में लड़ते हैं, इन सभी चीज का विश्लेषण इस अध्याय में आपको मिलेगा। उसके अगले धर्म के बारे में यदि बात करूं तो धर्म ने तो जीवों को धारण कर रखा है। यह वक्तव्य अधिकतर सभी ग्रंथों में देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, परंतु क्या वे अब इस समय के परिवेश में उपयोगी हैं? यदि हां तो कैसे, ना तो कैसे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसका अगला अध्याय है जिसमें हम आतंकवाद और धर्म के बारे में चर्चा करेंगे कि आतंकवाद किस कारण से इतना ज्यादा प्रभावी होता चला जा रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, विश्व का ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर आतंकवाद नहीं पहुंच गया। क्या यह धर्म से प्रेरित नहीं है? यदि यह धर्म से प्रेरित है तो वह कैसा धर्म है? निश्चित रूप से वह धर्म गलत तरीके से समझा गया है, अन्यथा कोई भी धर्म हत्याएं, खून खराबे की ओर इंगित नहीं कर सकता। इस प्रकार मैं यह भी कह सकता हूं कि धार्मिक कट्टरता ही आतंकवादी बनने की जड़ है। यदि तुम आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हो तो धार्मिक कट्टरता को कम करना होगा, शालीनता पर आना होगा, अपने रास्ते को बदलना होगा। निश्चित रूप से आतंकवाद को रोका जा सकता है, समाप्त किया जा सकता। इसका अगला खंड ज्ञान योग दर्शन भाग एक का यह खंड घोर अंधकार और एवं अपराध की ओर इंगित करता है। इस खंड में मैंने अंधकार के बारे में विश्लेषण किया है और विश्लेषण करते हुए यह दर्शाया है कि किस प्रकार अपराधी तैयार होता है। इसका समावेश आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। इसका पहला अध्याय घोर अंधकार में प्रकाश पुंज। जब हम धर्म का उचित विश्लेषण नहीं कर पाते, हम जब खून खराबे, हत्याएं को ही धर्म मान लेते हैं तो निश्चित रूप से हम एक अंधकारमय रास्ते की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और यह कब न जाने कब हम अंधकार में विलुप्त हो जाते हैं, किस प्रकार हम उस अंधकार में प्रकाश के पुंज को पा सकते हैं, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगला इसका अध्याय है सांप्रदायिकता एवं शव। सांप्रदायिकता क्या है? क्या शव का सांप्रदायिक होना उचित है? क्या सांप्रदायिकता को शव से जोड़ देना सही है, या हां या ना? यदि हां तो कैसे, ना तो कैसे? यह बहुत विचारणीय तथ्य है कि हम जब तक जीवित रहते हैं तब तक तो सांप्रदायिकता के वशीभूत होकर जीते हैं, लेकिन मौत के बाद भी उस नश्वर क्षण भंगुर अस्तित्वहीन शब को भी हम नहीं छोड़ते जिसे हम सांप्रदायिकता से जोड़कर अपनी निम्न विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसका अगला टॉपिक है सांप्रदायिक कट्टरता। इसमें हमने सांप्रदायिकता और कट्टरता दोनों को आपस में समाहित करके यह दर्शाया है, यह प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार आतंकवादी को
तैयार होने के लिए सांप्रदायिक कट्टरता अत्यंत आवश्यक महसूस होती है। इन सभी कारणों से ही निरंतर आतंकवाद अपनी चरम सीमा तक पहुंचता चला जा रहा है, जिसके सामने हम सब निहत्थे होते जा रहे हैं, असहाय होते जा रहे हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं होने देना है। उसके बाद अपराधी, अपराध और जमानत। अपराधी कैसे बना, अपराध क्या है, अपराधी क्या है और जमानत का क्या महत्व है, क्या अपराधी को सहानुभूति देना अपराध नहीं है? निश्चित रूप से वह भी अपराध है और जमानत तो घोर अपराध है। और इसके साथ साथ एक ऐसा अपने जीवन का महत्वपूर्ण क्षण, जिसके माध्यम से मैंने अपने इस वक्तव्य को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, किसी यात्रा के दौरान जो घटना देखा उसका मैंने इसमें विश्लेषण रखा है, उसको समाहित किया है। उसके माध्यम से मैंने ये दर्शाया है कि हम बच्चों को, छोटे से बच्चों के हाथ में बंदूक का खिलौना ही क्यों देते हैं? अगर आतंकवादी ना पैदा हो तो क्यों ना पैदा हो? जहां पर हम खिलौने के रूप में बंदूक देते हैं, जहां उन्हें हाथ में कलम के रूप में देना चाहिए, कलम रूपी खिलौना देना चाहिए, वहां हम बंदूक रूपी खिलौना देते हैं। छोटे छोटे से खिलौने बंदूक ही क्यों मिलते हैं उनके हाथ में? इन सभी चीजों का विश्लेषण आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। निश्चित रूप से जब हम बच्चे के हाथ में बंदूक रूपी खिलौना देते हैं, बंदूक का खिलौना निश्चित रूप से उसे क्रूरता की ओर अग्रसर करता है। और इसका आखिरी अध्याय कि वह अपराधी कैसे बना, क्या कारण है कि कोई व्यक्ति यदि अपराधी बना है तो उसका कोई मूलभूत कारण होगा, बिना कारण कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता। तो इसका पूर्ण समावेश इस खंड में आपको मिलेगा। इस प्रकार ज्ञान योग दर्शन भाग एक, ईश्वर, धर्म और आतंकवाद के द्वारा मैं इन सभी बातों का विश्लेषण, इन सभी बातों की चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे बहुत आसानी से, बहुत आसान भाषा में आप इस पुस्तक को पढ़कर इसे समझ सकते हैं।